हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ दायर नैब रेफरेंसेस में नया मोड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का 19 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार दे दिया। नवाज शरीफ के खिलाफ 3 नैब रेफरेंसेस यकजा करने से मुतालिक दरखास्त मंजूर, नैब कोर्ट को दरखास्त दोबारा सुनने की हिदायत। एहतसाब अदालत में पेशी के लिए नवाज शरीफ वतन पहुंच गए। साबिक वजीरे आजम का वजीरे आजम जैसा प्रोटोकॉल, सायरन की गूंज, हटो बच्चों की सदाओं, बुजरा के झुरमट और गाड़ियों की कतारों में पंजाब हाउस आमद। कल नैब कोर्ट में पेश होंगे, सिक्योरिटी प्लान तैयार। जुडिशियल एकेडमी के अतराफ 1000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। अब उसूली फैसले करने का वक्त आ गया, हर एक को पार्टी फैसलों की पाबंदी करना होगी। नवाज शरीफ का वतन वापसी के साथ दो टोक पैगाम, कहा तसादुम की राह इख्तियार नहीं की, उसूलों पर खड़े हैं, देखते हैं कौन हटाता है। नैब टीम ने पंजाब हाउस में समन की तामील कराई। पंजाब हाउस में लीगी बड़ों की अहम बैठक, नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी समेत अहम उमूर पर मुशावरत। साबिक वज़ीरे दाखला चौधरी निसार की मियां साहब से मुलाकात, अदालती मामलात पर एहतियात से काम लेने का मशवरा। नवाज शरीफ बोले, हमेशा इदारों का एहतराम किया। नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल क्यों दिया, कप्तान वजीर आजम पर बरस पड़े, कहते हैं नवाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का सामना कर रहे हैं, उन्हें कैसे प्रोटोकॉल दिया जा सकता है। आवाम के पैसे पर नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल देना शर्मनाक है। वजीर रेलवे ने कप्तान पर तनकीद की ट्रेन चढ़ा दी, बोले कि नवाज शरीफ को सिक्योरिटी देना हालात का तकाजा है। तलाल चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ मुल्क के अहम तरीन शख्स हैं, उन्हें सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जा सकती। सिक्योरिटी दी है, सिक्योरिटी देंगे, अपना फर्ज निभाया है और निभाते रहेंगे, किसी को इतराज है उसकी कोई परवाह नहीं। मुशाहिदुल्ला खान ने कहा कि सजाओं से नवाज शरीफ को शिकस्त नहीं दी जा सकती और ये इससे ज्यादा बेरहमाना यानी कि इंतखाब किसी का हो नहीं सकता और इंतखाब नहीं है, इसमें इंतखाम की बू आती है और ये जो इंतखाम है ये शायद इसलिए लिया जा रहा है कि उसने बिजली के कारखाने बनाए, इसलिए लिया जा रहा है कि आज लोड शेडिंग नहीं है। एहतसाब अदालत का बड़ा फैसला, वजीर खजाना का खजाना मुंजमद करने के नैब के फैसले की तौसीक कर दी। इसहाक डार और वकील आज भी गैर हाजिर रहे। असासजात रेफरेंस में वजीर खजाना के काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार, नैब को मेडिकल रिपोर्ट की तस्दीक का हुक्म, समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी। बाहर रखना किसी इंसान के बस का नहीं है, ये तो एक तो अल्लाह ताला के फैसले हैं और उसके बाद ये पाकिस्तान के अवाम के फैसले। नून लीग को इक्तदार से बाहर रखना किसी के बस की बात नहीं, इक्तदार में लाना या बाहर करने का इख्तियार सिर्फ अवाम को हासिल है। मरियम नवाज की मुखालिफीन को ललकार, जो समझते थे कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे उन्हें मायूसी हुई, खानदान में इख्तलाफात की बातों की तरदीद। अमर जमान कायरा नैब के दोहरे मेयार पर बरस पड़े, कहते हैं शर्जील मेमन को उतरने से पहले ही गिरफ्तार किया गया, लेकिन नवाज शरीफ के जहाज तक नैब को रसाई नहीं दी गई। नवाज शरीफ को उनके साथी टारजन बनकर इदारों से टकराने का मशवरा दे रहे हैं। आज कौन से नए सबूत होंगे, ये सारे सबूत जब वो पेश करेंगे उनकी मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट ने यह रेफरेंस फाइल कराया,
सो बचने का रास्ता तो है कोई नहीं, इसीलिए उनको कुछ दोस्त कह रहे हैं, कुछ साथी कह रहे हैं कि जनाब आप टार्जन बन जाइए और टार्जन की वापसी कर लीजिए। इंसाफ का जनूबी पंजाब में सियासी पावर शो, अहमदपुर शर्किया में पंडाल सज गया, जलसागाह में पार्टी परचमों की बहार, खिलाड़ियों का पार्टी तरानों पर रक्स, इमरान खान स्टेज पर मौजूद, खिताब करेंगे। एमबीएम पाकिस्तान के एक और रहनुमा नासिर जमाल भी बाकमाल हो गए, साबिक डिप्टी कन्वेनर साथियों समेत बीएसपी में शामिल। हमारे दोस्त कहते हैं डाइक्लिस, मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप गंदे हैं तो आपको सफाई में हर्ष क्या है, आपको हम नहला देंगे, धुला देंगे, साफ सुथरा कर देंगे तो आपको तकलीफ किस बात की है। अनीस खान खानी ने एमक्यूएम पर पाबंदी लगाने का मुतालबा दोहरा दिया, कहा अगर आप गंदे हैं तो सफाई से क्यों डरते हैं। सिंध असेंबली में मरदमशुमारी के मामले पर हुकूमती और अपोजिशन अराकीन यक जबान, नतायज मुस्तरद कर दिए, वफाक से तहफुजात दूर करने का मुतालबा। वज़ीरे आला सिंध कहते हैं मर्दम शुमारी में सिंध की आबादी कम दिखाना मंजूर नहीं। पॉपुलेशन का इशू ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे लोगों ने बात बताई कि जी इस पे हमारी रिसोर्सेज डिपेंड करती हैं, जो हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिल रही हैं, हमारी रिप्रेजेंटेशन इन द नेशनल असेंबली डिपेंड करती है, सूबे ओवरऑल सूबे की बात करें। जिस शहर की आबादी को सही गिना ना जाए वहां मईशत क्या होगी, फारूक सत्तार का जामिया कराची में खिताब, कहा इलेक्शन कमीशन ने कराची के 1,40,00,000 आबादी की फैमिली प्लानिंग कर दी। हम ज्यादा आबादी वाली हमारे पास नुमाइंदगी होगी और पूरे पाकिस्तान में कम आबादी वाली, तो ये हमारे खिला ये जमहूरियत नहीं है, ये हमारा सियासी जमहूरी हक हमसे लिया जाएगा। कौमी मफाद में सिक्योरिटी इकदाम जारी रहेंगे, हुकूमती तआवुन से फौज ऑपरेशनल नतायज को मुस्तहकम कर रही है, आर्मी चीफ का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कॉन्फ्रेंस में अफगान और अमरीकी हुकाम के साथ हालिया राबितों का जायजा भी लिया गया। सानिया मॉडल टाउन केस में पेशरफ, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एसपी फर्रुख रजा को इश्तिहारी करार दे दिया, नोटिस और तलबी के बावजूद पेश न होने पर इश्तिहारी करार दिया गया। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्हा की बेटी दीना वाडिया इंतकाल कर गयी, बानी पाकिस्तान की इकलौती साहबजादी दीना 15 अगस्त 1919 में पैदा हुई थी। भारत से रिहाई पाने वाले 13 पाकिस्तानी वाहगा के जरिए पाकिस्तान पहुंच गए, भारतीय जेल में पैदा होने वाली हिना समेत 2 खवातीन बच्चे और 9 माहीगीर शामिल। नेहा मेरी सहेलिया, एक कोमल है गया, एक और अंदर छोटी जिया, मैं उन्होंने बहुत याद करूंगी। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद, सिद्दीकुल फारूक ने इस्तकबाल किया, गुलपाशी की गई, हार भी पहनाए गए। सिख यात्री कहते हैं पाकिस्तान पुरम मुल्क है, यहाँ बहुत प्यार मिला। कराची पुलिस का एक्शन, मासियों की मदद से घरों में झाड़ू फेरने वाला डकैत ग्रोह पकड़ा गया, 30 तोले सोना और गैर मुल्की करेंसी भी बरामद, पुलिस की आवाम से मुलाजमा रखने से पहले कवायफ की मुकम्मल छानबीन करने की अपील। पंजाब भर में स्मोक का राज बरकरार, शहरियों का दिन और रात के औकात में घरों से बाहर निकलना मुहाल, सरकारी अस्पतालों में मरीज बढ़ने लगे। अभी अभी बिल्कुल फ्लू में और मुझे कफ ज्यादा है, तो ये स्मोक तो काफ़ी हम सारों को अफेक्ट कर रही है। जब तक बादल झड़ते नहीं आप बाहर निकलते नहीं हो और उसकी वजह से आपको सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तिबी माहिरीन की दमे के मरीजों को खास एहतियात की हिदायत। स्टोरी जो है नवाज शरीफ से मुतालिक, जो वतन वापस पहुंच गए और कल अपनी साहबजादी और दामाद के साथ एहतसाब अदालत में पेश होंगे।
सो वतन पहुंचने पर उन्हें प्रोटोकॉल के साथ पंजाब हाउस पहुंचाया गया। साबिक वजीर आजम और उनके बच्चों के खिलाफ 3 रेफरेंसेस फाइल हैं। वो अपनी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के साथ एहतसाब अदालत में पेश होंगे। एहतसाब अदालत में हाजिर न होने पर नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी पहले ही जारी हो चुके हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर कल एहतसाब अदालत के सामने पेश होंगे। पहली बार ऐसा होगा कि नवाज शरीफ अपनी साहबजादी के हमरा किसी पेशी के लिए आएंगे। इससे कबल नैब अदालत के सामने कभी नवाज शरीफ गैर हाजिर रहे तो कभी मरियम नवाज पेश न हुई। एहतसाब अदालत में शरीफ फैमिली के खिलाफ करप्शन के 3 केसेस दायर हैं। इन रेफरेंसेस में एवनफील्ड प्रॉपर्टीज, अजीजिया स्टील मिल, हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के केसेस शामिल हैं। हसन और हुसैन 3 केसेस में नामजद हैं। पिछली समाअत में पेश न होने पर नवाज शरीफ की काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। 31 अक्टूबर को एहतसाब अदालत ने SECP को हसन और हुसैन के असासे मुंजमिद करने का हुक्म दिया था। नैब ने पानामा केस में सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई के फैसले पर एहतसाब अदालत में ये रेफरेंसेस फाइल किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन रेफरेंस की समाअत के लिए 6 माह की डेडलाइन दे रखी है। नाजीन चौधरी निसार ने नवाज शरीफ को इदारों से तसादुम और महाज आराई से गुरेज का मशवरा दिया है। पंजाब हाउस में नवाज शरीफ से मुलाकात में चौधरी निसार का कहना था कि हमें अदालती मामलात पर एहतियात से काम लेना चाहिए, इदारों पर तनकीद से नुकसान होगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने मुखालफीन को फिर ललकार दिया। वो कहती हैं कि नून लीग को इख्तदार से बाहर रखना किसी के बस की बात नहीं, ये फैसला सिर्फ आवाम के इख्तियार में है। जो लोग समझते थे कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे उन्हें मायूसी हुई है। साबिक वजीर आजम पर करप्शन का इल्ज़ाम साबित होने की उम्मीद रखने वाले भी मायूस होंगे। मरियम नवाज ने कहा कि शरीफ फैमिली में कोई रंजिश नहीं और ना ही पार्टी इख्तलाफात का शिकार है। मुस्लिम लीग नून तोड़ने का ख्वाब देखने वालों को जल्द जवाब मिल जाएगा। इख्तदार से बाहर रखना किसी इंसान के बस का नहीं है। अल्लाह ताला के फैसले और उसके बाद ये पाकिस्तान के अवाम के फैसले में ना कोई हकीकत है ना होगी इंशाल्लाह, और इसके बारे में तवक्कुआत रखने वालों को नाकामी होगी। उधर लीगी वुजरा ने नवाज शरीफ की वतन वापसी को कानून की पासदारी करार दे दिया है। इमरान खान को भी आड़े हाथों लिया, साथ ही साथ अपने तहफ्फुज़ात का इजहार भी किया। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर हुक्मरा जमात के वुजरा चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर खूब गर्जे बरसे। वफाकी वजीर मुशाहिदुल्ला बोले, इमरान खान क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, उन्हें सियासत का क्या पता, धरने से वजीर आजम का इस्तीफा लिए बगैर निकानामा लेकर चले गए। इस तरह की सजाएं देके नवाज शरीफ को शिकस्त नहीं दी जा सकती। नवाज शरीफ को शिकस्त देने का एक ही तरीका है कि जब वो जेटी रोड पे निकले तो वहाँ पे सन्नाटा हो। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब बोली कि इमरान खान आवाम के सामने आने के काबिल नहीं है। जो असल चोर हो, जिसके दिल में चोर हो, वो अदारों से भी भागते हैं, अदालतों से भी भागते हैं और अदारों को गाली भी देते हैं। इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया, क्योंकि बाहर आकर आवाम का सामना तो वो कर नहीं सकते क्योंकि उनको मालूम है कि वो चोर हैं। वजीर मुमलिकत बराए दाखला तलाल चौधरी का कहना था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के अहम तरीन शख्स हैं। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के अहम तरीन आदमी हैं, लेकिन लीडरशिप से फारिग करने का काम सिर्फ पाकिस्तान के लोगों का है। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि कोई फैसला नवाज शरीफ को कौम की क़यादत से ना अहल नहीं कर सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ नैब के 3 मुकदमात के 1 मुकदमे ना बनाने से मुतालिक एहतसाब अदालत का फैसला कल अदम करार दे दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ दायर नैब रेफरेंसेस में नया मोड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का 19 अक्टूबर का फैसला कलदम करार दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक
और जस्टिस मोहसिन कयानी पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ के खिलाफ तीन रेफरेंसेस को यकजा करने के मामले की सुनवाई की। नवाज शरीफ के वकील ने दलाइल दिए कि एहतसाब अदालत ने मुकदमात को यकजा करने की दरख्वास्त मुस्तरद की, लेकिन इसकी कोई तहरीरी वजह नहीं बताई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को सुनने के बाद एहतसाब अदालत को हुक्म दिया कि अदालत नवाज शरीफ की दरख्वास्त की दोबारा समाअत करे और इसे राज कवानीन के मुताबिक परखने और फिर जवाब पर मबनी तहरीरी फैसला जारी करे। ताहम अदालत ने नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर पर आयद फर्द जुर्म मुअत्तल करने से मुतल्लिक कोई हुक्म नहीं दिया और न ही एहतसाब अदालत को तीनों मुल्ज़िमान के खिलाफ ज़ेरे समाअत मुकदमात रोकने की कोई हिदायत की। नाज़रीन, हमने सारे मामले पर माहिर कानून बैरिस्टर मसरूर शाह से राबिता किया और उनसे पूछा ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद एहतसाब अदालत में केस की समाअत की नोयत क्या हो सकती है। इस पर उनका जवाब क्या था, आपको दिखाते हैं। नई डेवलपमेंट हो गई आज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद। अब लाजिम हो चुका है एहतसाब अदालत के ऊपर कि वो जो दरख्वास्त उसने पहले खारिज कर दी थी उसकी असर नो हियरिंग करे और दोनों पार्टियों को सुन के दोबारा फैसला करे। तो इसलिए अब कल जो है उस जो मेन रेफरेंसेस है उसमें तो कोई कार्रवाई होती नज़र मुझे नहीं आ रही, कोई इशादतें रिकॉर्ड होना नज़र नहीं आ रही, बल्कि ये होगा कि कल इस दरख्वास्त के ऊपर बहस होगी। और अदरवाइज़ भी ये मुमकिन ना था कि इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद इन केसों को अब चलाया जाए, क्योंकि अगर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये रेफरेंसेस यकजा कर दिए जाएं तो फिर कोर्ट के पास ये रास्ता ही बाकी बचेगा कि इन तमाम रेफरेंसेस को वापस नैब को भेज दें, जो फर्द जुर्म आयद हो चुकी है वो कलदम करार दे दी जाएगी, जो शहादतें रिकॉर्ड हो चुकी हैं वो भी नल एंड वॉइड होंगी और नैब दोबारा से सरेनो एक रेफरेंस बना के दोबारा फाइल करेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का लंदन से वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया गया। नवाज़ शरीफ एयरपोर्ट से पंजाब हाउस पहुंचे जहां से वो कल इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे ने मुकद्दर वक्त से तकरीबन 40 मिनट पहले इस्लामाबाद के बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया। मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए एप्रन पर ही मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के सदर ने रहनुमाओं के हमराह कुछ देर एयरपोर्ट में ही बैठक लगाई और फिर पंजाब हाउस रवाना हुए। पंजाब हाउस पहुंचने पर नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया गया। कारकुनान ने अपने कायद पर फूलों की पत्तियां निछावर की और नारे लगाए। नाज़रीन, कौमी एहतसाब ब्यूरो की टीम एयरपोर्ट पर समन की तामील कराने में तो नाकाम रही, लेकिन नवाज शरीफ की वकला की टीम से राबते के बाद पंजाब हाउस में समन की तामील पर दस्तखत कराए गए। नैब टीम की भाग दौड़ रंग ले आई। एयरपोर्ट पर नाकामी के बाद पंजाब हाउस में मुराद भराई। नवाज शरीफ की वतन वापसी की इत्तलात के साथ ही नैब मुतहर्रिक हो गया। गुज़िश्ता रोज एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को तैयारी तक रसाई के लिए दरख्वास्त की, ताहम साबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर नैब टीम को रसाई ना मिल सकी। अदालती समन की तामील कराने के लिए नैब की टीम ने पंजाब हाउस का रुख किया। नवाज शरीफ के वकला से राब्तों के बाद नैब टीम को ग्रीन सिग्नल मिला और डिप्टी डायरेक्टर महबूब आलम की